अमलाद में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपहरण का एक सनसनीखेज मामला। दरअसल अंबिकापुर में डॉक्टर का अपहरण कर मारपीट की गई और वही घटना के बाद से डॉक्टर डरे हुए और सदमे हुए हैं। दरअसल मामला अंबिकापुर का है, जहां डॉक्टर का अपहरण कर मारपीट करने की घटना सामने आई है। जहां डॉक्टर अलखराम वर्मा का अपहरण कर चार लोगों ने मारपीट की, मारपीट अजय ट्रेडर्स के बिल रोकने की बात को लेकर की गई। घटना के बाद से डॉक्टर डरे और सहमे हुए हैं। पूरा मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र के गंगापुर स्थित मेडिकल कॉलेज के बालक छात्रावास के पास का है, जहां डॉक्टर अलखराम वर्मा को पंकज चौधरी नाम के व्यक्ति ने फोन किया और मिलने के लिए बुलाया और उसके बाद उसे अपनी गाड़ी में बैठा कर कुछ दूर ले गया, जहां उसके तीन साथियों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। अलखराम वर्मा है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में वार्डन है। आज सुबह 10 बजे से 1 बजे तक की परीक्षा थी, जिसमें वो परीक्षा लेने के लिए परीक्षा ड्यूटी पर अपनी जा रहे थे। इसी दौरान पंकज चौधरी द्वारा इनको फोन कर बोला गया कि आपसे मिलना है, कुछ काम है। और जब वो इनसे मिले तो बोले आपको मोबाइल पर वीडियो दिखाना है और आप हमारे बिल क्यों नहीं निकाल रहे हो, यह कहकर मारपीट की गई और जबरदस्ती अपने गाड़ी में बैठा कर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर भी उन्होंने मारपीट की। मामले में पंकज चौधरी और प्लस तीन अन्य के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और अपहरण की धाराओं पर अपराध संजीवित कर लिया। घटना के बाद से ही डॉक्टरों के भीतर काफी आक्रोश है और अपराधियों को पकड़ने की मांग की जा रही है। इधर मामले को लेकर डॉक्टरों ने गांधीनगर थाने में पंकज चौधरी सहित अन्य अपराधियों के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने अपहरण सहित अन्य अपराध भी मामले में पंजीबद्ध कर लिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल करेगी या फिर ये अपराध ऐसे ही शहर में दस्तक देते रहेंगे। अमलात के लिए अंबिकापुर से राजकुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी में देखो बदमाशों